सो फ्रेंड्स, क्या आप भी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो? किसी एप्लीकेशन में शॉर्ट वीडियो को शूट करके अपलोड करते हो? तो क्या आप भी कंफ्यूज हो गए हो कि कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है, कौन सा एप्लीकेशन में ज्यादा व्यूज आएंगे, कौन सा एप्लीकेशन में हमको जल्दी से जल्दी पॉपुलर क्रिएटर मिल जाएगा? तो इस वीडियो में पूरा टोटल क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है, किसमें ज्यादा व्यूज आएंगे और किसमें जल्दी से जल्दी आपको पॉपुलर क्रिएटर मिलने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रदीप, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ट्रेंडिंग में सिर्फ तीन ही एप्लीकेशन चल रहा है। नंबर वन स्नैक वीडियो, नंबर टू एमएक्स टकाटक, नंबर थ्री जोस ऐप। ये तीनों एप्लीकेशन अभी मार्केट में बहुत चल रहा है या जहाँ तहाँ इसका एड भी आ रहा है, एंड इसी में ज़्यादातर बंदे इसी तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ स्नैक वीडियो में। मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ कि किस में ज़्यादा व्यूज़ और लाइक आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना स्नैक वीडियो में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्नैक वीडियो ओपन किया, तो यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल में चलता हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओनली ऑन सिर्फ 20 पोस्ट हुए हैं और मिनिमम ये सिर्फ 7 डेज ही हुए हैं मेरे इस चैनल को बनाए हुए, प्रदीप बलाई टैग को। ठीक है, मतलब 7 डेज से मैं इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यूज़ 2137, 2077, 9231, 4274, 5399। मतलब व्यूज़ आपको 2K मिनिमम, 2K 3K आपको प्लस ही मिल जा रहा है। यानी कि देख सकते हैं मेरा अभी 10 दिन से यहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड ही कर रहा हूँ, लेकिन इतना सुंदर आपका व्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग लाइक की बात करें, अगर हम लोग कोई भी वीडियो मान लेते हैं 9000 वाले वीडियो में हम लोग क्लिक करते हैं, तो लाइक ओनली फॉर 49, 9000 हम लोग का व्यूज़ गया है और 49 सिर्फ लाइक है और एक सिर्फ शेयर है। देख सकते हैं नीचे में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ओनली फॉर 1 शेयर। मतलब इसमें ज़्यादा आपको सिर्फ व्यूज़ मिलने वाला है, लेकिन लाइक फॉलोवर्स भी मेरा देख सकते हैं सिर्फ 38 फॉलोवर्स और 3 फॉलोइंग। मतलब मैंने किया है फिर सिर्फ 38 फॉलोवर्स है, इतना व्यू आने पर भी लाइक भी नहीं है ना फॉलोवर्स है, सिर्फ व्यूज़ है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में एमएक्स टकाटक। तो एमएक्स टकाटक हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एमएक्स टकाटक को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सीधा अपना प्रोफाइल में चलते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेम वैसा ही है, सेम 10 दिन से इसमें भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि जो उसमें वीडियो अपलोड किया सेम इसमें भी वही वीडियो अपलोड किया, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोफाइल आ जाते हैं। सबसे पहला प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो 17 गो, सिर्फ 17 गो। ओके, और ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो ये सब मैंने एक दो वीडियो है, बहुत पुराना है इसीलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग का देख सकते हैं 1.1K, फिर 500, फिर 800, फिर 1K, फिर इधर अगर ऊपर में चलते हैं तो फिर 1K एंड इधर 2K। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब 1K, 2K और यहाँ पे 478 जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही अपलोड किया था। और इसमें अगर हम लोग देखें तो मेरा देख सकते हैं फॉलोवर्स 282 और 380 लाइक्स, यानी कि मेरा जो 2.1K में गया है उसमें 77 लाइक्स। यानी कि एमएक्स टकाटक मिनिमम ठीक है, आपका अच्छा शेयर भी जा रहा है, आपका फॉलोवर्स भी अच्छा जा रहा है, व्यूज़ भी अच्छा आ रहा है और कमेंट और लाइक्स भी अच्छा ही आ रहे हैं। तो हम लोग अब तीसरा नंबर में जाते हैं जोस एप्लीकेशन में। अगर हम लोग सिंपल से जोस एप्लीकेशन में चलते हैं तो जोस एप्लीकेशन हम लोग अभी ओपन कर लेते हैं। ना ओपन करने के बाद अगर फिर से यहाँ पे हम लोग मी में चलते हैं इसमें भी, एंड मेरा ही अकाउंट यहाँ पे दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं इसमें सिर्फ 15 वीडियोज़ है, ओनली ऑन 15 वीडियोज़, ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 15 वीडियोज़। ओके, यहाँ पे मेरा देख सकते हैं सिर्फ 2 ही फैंस है, यानी कि 2 ही मेरा फॉलोवर्स है और 1 भी फॉलोवर्स नहीं है। और इधर लाइक देख सकते हैं 9.2K हर्ट्स है, यानी कि मिनिमम 10K की और अभी ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का लाइक्स हुआ है जोस एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा व्यूज़ देख सकते हैं जो अभी मैंने थोड़ा देर बाद अपलोड किया है 2.3K, एंड कल जो अपलोड किया 6.1K। अगर हम लोग नीचे में चाहिए तो ये मेरा ओल्ड वर्जन का है, सब 10K, 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 10K और 10K। यानी कि जोस एप्लीकेशन में आपका व्यूज़ अच्छा आ रहा है। अगर हम लोग किसी व्यूज़ यानी कि किसी में अगर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, तो चलिए बाय द वे इसी में क्लिक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 719 लाइक है, 719 लाइक और शेयर यहाँ पे देख सकते हैं 170 शेयर हुआ है। तो फ्रेंड्स, जोस एप्लीकेशन में एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये जो 9.2K मेरा लाइक है और इधर सिर्फ 2 ही फैंस है, तो
यहाँ पे मेरा इतना इतना सब में 10K 10K व्यूज गया है, तो इसमें सिर्फ दो ही फॉलोवर्स आ सकते हैं, जो उस एप्लीकेशन में थोड़ा सा हमको फेक लग रहा है, क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे काउंट भी किया था लाइक सब, तो अच्छा से बैठ नहीं रहा था, यानी कि जो मैं जोड़ रहा था वो गलत आ रहा था, और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था 9.2 के हर्ट्ज़ यहाँ पे अलग दिखाई रहा, मेरा लाइक्स ज़्यादा हो रहा है, लाइक्स यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से वो जो है नेट की बदौलत भी हो सकता है शायद, या तो 24 घंटा के बाद बाद हो सकता है काउंट होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर जोस एप्लीकेशन में आपका आते हैं, व्यूज़ अच्छा आता है, लाइक भी अच्छा खासा आ जाता है, शेयर भी आपका अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन इसमें आपका फैन नहीं होने वाला है, यानी कि फॉलोवर्स बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा बुरा नहीं होता है। अगर आप एक में वीडियो बना रहे हैं, मान लेते हैं कि आप सिर्फ स्नैक वीडियो में ही बनाते हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सिर्फ आपको थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, आपको तीनों एप्लीकेशन में एक ही वीडियो को अपलोड करना है, एक आईडी, यानी कि आप अगर एक आईडी में अगर आपका नाम रोहित होता है, तो आप उसमें अगर रोहित19@ ऐसा कुछ आप अगर अपना प्रोफाइल देते हैं, तो तीनों का आईडी वैसा ही होना चाहिए। मान लेते हैं कोई आपका जबरदस्त फैन हो चुका है, ठीक है, अगर वह स्नैक वीडियो भी चलाता है, एमएस टकाटक भी चलाता है, तो शायद उसके मन में अगर ये ख्याल आता है कि मैं जिस दोस्त को चाहता हूँ, यानी कि रोहित को चाहता हूँ, तो शायद वो स्नैक वीडियो के बदले एमएक्स टकाटक में भी वीडियो अपलोड करता है। तो फ्रेंड्स, पॉपुलर क्रिएटर जो बंदे होते हैं या बंदी होते हैं, उनके ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसमें वो वीडियो अपलोड नहीं करते हो, सिवाय व्हाट्सएप के बाद, यानी कि व्हाट्सएप में तो होता नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप छोड़ के सब में फेसबुक हो, फेसबुक तक वो लोग वीडियो अपलोड करते हैं, और उसमें भी वो लोग पॉपुलर क्रिएटर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स याद रहे, जब आपको 5 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो पहले बनाते हैं, तो सी भाई आप आधा घंटा ले लीजिए, जितना आपका शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है सब में आप वही वीडियो अपलोड कर दीजिए, पता नहीं कब आपका किस्मत चमके और आप किस्मत आपका आजमा जाए, तो इसीलिए सब में आप वो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहे, कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा बुरा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि सारा में वीडियो बनाना चाहिए और ऐसे करके बनाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।